सवाल करना चाहिए, यह गंभीर विषय है। जब कभी भी इस देश में कोई संकट का क्षण आता है, चाहे वो महामारी का सवाल हो, चाहे किसानों की विपत्ति का सवाल हो, चाहे आज 7 रुपया डीजल बढ़ा दिए गए, पेट्रोल बढ़ा दिए गए, जब डीजल पेट्रोल का दाम दुनिया में पानी के रेट से भी कम है, यह सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, चाहे बिहार में चिमकी बुखार से मर रहे लोग तब का सवाल हो, बेटियों के सुरक्षा का सवाल हो, पटना के बाढ़ का सवाल हो, विधानसभा लोकसभा चल रहा हो तब आम लोगों की आवाज का सवाल हो, कहां रहते हैं लोग, जब शिक्षा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ये डॉक्टर्स, छोटे छोटे कर्मचारी अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं, सेना, पुलिस, फिर सबसे ज्यादा मजे लेने वाले, लूटने वाले ये जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, एमपी एमएलए क्या करते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला कोठी मिलता है इन्हें, उस कोट क्या ये अपने बीवी बाल बच्चों के लिए सिर्फ बने, खुद के इश्क और मुस के लिए बने, गायब रहने के लिए बने, कहां रहते हैं ये? इस 1.5 महीने की महामारी के बीच आपने क्या किसी एमपी एमएलए को, किसी मंत्री संतरी विपक्ष के नेता को देखा? क्या इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का डर इन्हीं लोगों को है? सबसे ज्यादा बाढ़ और तूफान से डर इन्हीं लोगों को होता है? जब इनकी बारी आती है तो इन लोगों को हेलीकॉप्टर चाहिए, बड़े बड़े रथ चाहिए, ये बर्थडे मनाएंगे प्लेन पे, उसका वीडियो वायरल करेंगे, लूटेंगे पूरी, आश्चर्य, हजारों हजार करोड़ रुपया का इनके पास लूट के पैसे। जब सवाल खड़ा होता है, जनता की सेवा की बात आती है, जनता की मदद की बात आती है, कोमल लोगों के मरने की बात आती, जीने की बात आती है, तो फिर ये कहां होते? नीतीश बाबू, सुशील मोदी, स्वास्थ्य मंत्री, विपक्ष के नेता कहां होते हैं, कहां हैं, कौन लोग हैं? आखिर ये 1.5 महीने, 1.25 महीने सिर्फ इन लोगों की जिंदगी हिफाजत में हो? आम लोग, मिडिल क्लास, गरीब, ये मरते रहे, ये अपनी जिंदगी के लिए तरसते रहे, पूरे बिहार के लोग भूख से परेशान, लाठी गोली खा रहे हो, सूरत में मार खा रहे हो, महाराष्ट्र में मार खा रहे हो, दिल्ली में मार खा रहे हो, हरियाणा में पीटे जा रहे हो, जेल भेजे जा रहे हो, कोई यह सवाल उठाने वाला, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठेगा? हम घर जाने की बात करते हैं, हम यदि रोटी की बात करते हैं तो हम पर लाठी बरसाए जाते हैं। चिमकी बुखार में वहां भी गायब थे जो अपने को तथाकथित सो कॉल्ड ऑफ विपक्ष के नेता कहते, जात की भी याद नहीं आती, तब भी ये गायब थे। बिहार में जब कहीं संकट और मौत होती है तब भी ये गायब हो रहते हैं। बाढ़ का समय था तब भी गायब थे, 1 महीना विधानसभा से गायब थे। मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, बस वो किसी पिता के पुत्र हैं, इतनी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, किसी पिता के पुत्र है, एक पहचान है। आज कोरोना वायरस में इतने लोग प्रभावित हैं फिर भी गायब है। संकट के समय जनता के बीच ना तो मुख्यमंत्री, ना मंत्री, ना संतरी, ना विपक्ष के नेता, क्या ये लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल नहीं है कि हर समय ये गायब, और खास तौर पर विपक्ष के, बिहार के नेता, ये हर समय कहां रहे थे, किस प्लेटफॉर्म हाउस में है, कहां पर है, किस विदेश में है,
कहां से इनका ट्वीट आता है? ट्वीट के अलावा इनके पास तो और कुछ नहीं, बस ट्वीट आना है। पैसे की बदौलत अन्य चीजों पर ये दिखेंगे। 2000 क्या हो गया, 50 ट्रेन क्या हो गया, बस इन्हें फॉलो करना है। पप्पू यादव कुछ करेंगे, कांग्रेस कुछ करेगी तो ये ट्वीट करेंगे, हम भी हैं। अरे करो ना, जितना आप लोग लूटते हो उतना पप्पू यादव बांटता है, करो ना, किसने मना किया आप? करो, कौन रोका? डालो सबके अकाउंट में पैसे, टीम बनाओ और जब बांटो, जाओ जनता के बीच। नेताजी आपकी जिंदगी ऐसे रूम में शबाब शराब कबाब के लिए नहीं बने, इश्क मुश्क के लिए। आपकी जिंदगी सेवा के लिए बनी। ऐसे लोगों को राजनीति से बेदखल करने की जरूरत है और बिहार से राजनीति से उखाड़ फेंक देने की जरूरत है।